नमस्कार दोस्तों, बेनियका यस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं पॉलिटी सीरीज में आज आपके लिए लाया हूँ इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी मतलब आपातकाल। तो आप मान लो कि जो इमरजेंसी है, ऐसी सिचुएशन है जब कोई बाहरी फोर्स आप पर अटैक कर दे, तो जैसे देश में आपदा आ जाती है, किसी बाहरी कंट्री, कोई टुचपुट छोटी कंट्री है, उसने भारत पे अटैक कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब स्टेट के पास तो मिलिट्री पावर भी नहीं होती है और स्टेट के पास और भी इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी पावर नहीं होती है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर ले। तो ऐसे में अपना सेंटर आएगा और स्टेट से कहेगा, छोटे भाई तू थोड़ा पीछे हो, मैं संभालता हूँ उसको। एंड द सेंटर बिकम ऑल पावरफुल टू टेक डिसीजंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। उसमें क्या होता है, सेंटर जो होता है वो ऑल पावरफुल हो जाता है, वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है, इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, और स्टेट को डायरेक्ट भी कर सकता है कि आप अपने डिसीजन ऐसे लें या आप अपना जो खर्चे हैं वो इस हिसाब के करें कि इमरजेंसी में हो सकता है कि खर्चों पे लगाम लगा दे, या स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं मान रही है। तो ये प्रोविजन जो है इमरजेंसी का, हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड किया है, और हमारे संविधान ने यह भी बताया है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में सेंटर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, और उसकी पावर पे लगाम भी लगाई है। क्योंकि इसका उद्देश्य है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप की रक्षा कर सके और हमारे संविधान के जो फीचर्स है जैसे यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको बचा सके। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आई है जब वॉर हो रहा हो, किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन को स्टेट हैंडल नहीं कर पाएगा, स्टेट कैन नॉट हैंडल इट। तो इन दिस सिचुएशन सेंटर बिकम ऑल पावरफुल टू टेक डिसीजन एंड द स्टेट गो इन टू कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रोवाइडेड है, ये है पार्ट 18 में प्रोवाइडेड, और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस इमरजेंसी का पर्पस क्या है, तो इमरजेंसी का पर्पस है टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री। सो द पर्पस ऑफ इमरजेंसी इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री। तो इमरजेंसी इट इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 18 आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो इमरजेंसी रिफर्स टू अ सिचुएशन जहां पे जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स हैं और राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या एल्टर कर दिया जाता है टू एड्रेस अ क्राइसिस और थ्रेट टू द स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो इमरजेंसी है ये फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में कन्वर्ट कर जाता है, मतलब सेंटर बिकम ऑल पावरफुल और स्टेट को सेंटर के हिसाब से चलना पड़ेगा और सेंटर स्टेट सब्जेक्ट पे भी डिसीजन ले सकता है। तो इन इमरजेंसी कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो हमारे संविधान का फीचर है कि फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉर्मल टाइम्स में तो फेडरल है और इमरजेंसी सिचुएशन में इट बिकम यूनिटरी। तो इमरजेंसी तीन तरह की होती है, एक है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 352। दूसरी तरह की इमरजेंसी है प्रेसिडेंट्स रूल, और ये प्रेसिडेंट रूल प्रोवाइडेड है अनुच्छेद 356 में। और तीसरी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये प्रोवाइडेड है इन द आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज डिक्लेयर्ड व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। तो ये नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है कि हमारे राष्ट्रपति को लगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जब जब भारत की सिक्योरिटी पे खतरा है। किससे खतरा है, या तो वॉर से, या कोई बाहरी कंट्री मतलब एग्रेसिव नेचर शो कर रही है और एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबेलियन।
हमारे भारत का इतिहास है इमरजेंसी का तो, और कुछ इमरजेंसी कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। और प्रेसिडेंट रूल तो भारत में जाने कितनी बार लग चुका है, अलग अलग स्टेट में बहुत बार। तो जब इमरजेंसी का मिसयूज हुआ था तब बोला गया था कि नेशनल इमरजेंसी मतलब जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मतलब बोलने पे, कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सिचुएशन है कि आप इमरजेंसी लगा दो और तो राष्ट्रपति लगा दे, या राष्ट्रपति अपने खुद के डिस्क्रिशन पे इमरजेंसी लगा दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इमरजेंसी तभी लग सकती है जब यूनियन कैबिनेट राष्ट्रपति को लिखित में दे कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, आपको इस सिचुएशन में इमरजेंसी के रूप में एक्ट करना होगा, तभी राष्ट्रपति हमारे इमरजेंसी लगाते हैं। तो बिफोर नेशनल इमरजेंसी बी इम्पोज रिटन रिकमेंडेशन मस्ट बी गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द यूनियन कैबिनेट एंड नॉट मियरली प्राइम मिनिस्टर। और ये इमरजेंसी ये भारत में पूरे भारत में भी लग सकती है और भारत के कोई पार्ट में भी। जैसे मान लो अपना वेस्टर्न फ्रंटियर है, वहां पे मान लो हमारे पड़ोसी देश ने हम पे हमला कर दिया, तो अपनी यूनियन कैबिनेट को लगा कि अब ऐसी सिचुएशन है कि मतलब भारत पूर्ण भारत में इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। जिन जिन स्टेट्स में जो इस हमले से और ये वॉर से प्रभावित है उसमें ही इमरजेंसी लगाई जाए, तो उन स्टेट में इमरजेंसी लग जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में लगे। तो इट कैन बी इम्पोज थ्रू आउट द कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट इट इज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसने जो इंटरनल डिस्टरबेंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया था वर्ड आर्म्ड रेबेलियन से। तो अब इंटरनल डिस्टरबेंस ग्राउंड नहीं है इमरजेंसी डिक्लेयर का, क्योंकि जब 1975 की इमरजेंसी का मिसयूज हुआ था इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक तनाव का रीजन देते हुए भारत में इमरजेंसी लगा दी थी। एक रीजन उसका ये भी था कि उनकी सरकार जिससे ना जाए, तो उस समय भारत में इमरजेंसी का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। आगे ऐसा मिसयूज ना हो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और उसने वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रेबेलियन से परिवर्तित कर दिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि जो इंटरनल डिस्टरबेंस है इट इज अ वेग वर्ड, उसकी काफी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, जबकि आर्म्ड रेबेलियन प्रिसाइज है कि आर्म्ड रेबेलियन हुआ है भारत में, हथियारों से लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तो क्या ये इमरजेंसी को जुडिशल रिव्यू हो सकता है? हाँ, भारत में इमरजेंसी पे जुडिशल रिव्यू हो सकता है। दो जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, उसने बोला था कि इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, बट देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में बोला गया कि इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज ऑन इमरजेंसी। फिर इस नेशनल इमरजेंसी को लेके 1980 में मिनर्वा मिल केस हुआ, और इस मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, कि मालाफाइड और मेलिशियस इंटेंशन से सरकार ने भारत में इमरजेंसी लगा दी, इसके ग्राउंड पे भी इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाने के 1 महीने के भीतर इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूवल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाएगा। सो द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। इमरजेंसी इशू के 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास होना होगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट से 1 महीने के भीतर अप्रूव होना होगा। ओरिजिनल यह पीरियड था 2 महीने का, बट जो 44वें संविधान संशोधन से ये 1 महीना कर दिया गया जिससे इसका मिसयूज ना हो सके। और अगर ऐसे टाइम पे प्रोक्लेमेशन हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो ये इमरजेंसी सर्वाइव करेगी 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा इन द, बट उसके लिए भी जो मीन टाइम में जो राज्यसभा है उसने इसको अप्रूव कर दिया हो, तो जब राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया तो लोकसभा की पहली सिटिंग के 30 दिन के भीतर इसको अप्रूव हो जाएगी, तो इमरजेंसी आगे बढ़ेगी। अगर नहीं होती तो ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन खारिज हो जाएगा। और एक बार इमरजेंसी अप्रूव हो गई तो ये सर्वाइव करती है 6 महीने तक, और इसको इनडेफिनेट पीरियड तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं हर 6 महीने पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ। ये भी 44वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ। तो इमरजेंसी रिवोक कैसे की जाएगी? इस इमरजेंसी रिवोकेशन में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि लोकसभा का ज़्यादा
मतलब से है और पावर है इन द रिवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी तीन तरह से रिवोक कर दी जा सकती है। पहला कि प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर दे और खत्म कर दे, तो इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है इन द रिवोकेशन। दूसरा कि अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास करें कि डिसअप्रूवल द कंटिन्यूशन ऑफ इमरजेंसी, तो भी प्रेसिडेंट को इसको रिवोक करना होगा। और तीसरा तरीका है रिवोकेशन का, जो 44वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ कि अगर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा गिव्स अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर, देन अ स्पेशल सेटिंग ऑफ द हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 डेज ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूशन ऑफ इमरजेंसी। मतलब 1/10 मेंबर भी अगर लोकसभा के लिखित में स्पीकर को दे देते हैं कि इस इमरजेंसी प्रोविजन को कंसीडर करने के लिए एक स्पेशल सेटिंग करो, तो उसके लिए लोकसभा स्पीकर एक स्पेशल सेटिंग कंडक्ट कराएगा विद इन द 14 डेज ऑफ दिस नोटिस फॉर द पर्पस ऑफ डिसअप्रूविंग द इमरजेंसी। तो ये हैं रिवोकेशन के तरीके इमरजेंसी के। तो इस इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता? पहला, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट होगा? जैसे आपको पता है इमरजेंसी के टाइम सेंटर बिकम ऑल पावरफुल और ये सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है इन एक्सरसाइजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कि आप अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन इस तरीके से ले, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले इमरजेंसी में। दूसरा, पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उसमें भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये जो लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे, वो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएंगे या खारिज हो जाएंगे। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड द लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। और इमरजेंसी के टाइम स्टेट सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो नॉर्मल टाइम में रेवेन्यू सेंटर स्टेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट उसको भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी देश ने अटैक कर लिया, तो मिलिट्री तो हमें मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और आर्मी पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए तो सेंटर जो फंड है वो स्टेट से डाइवर्ट कर सकता है। और सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट एंड सच ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हैज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। तो दूसरा देखते हैं इमरजेंसी के समय लोकसभा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इमरजेंसी के समय में लोकसभा की जो लाइफ है, नॉर्मल आपको पता है लोकसभा का टेन्योर है 5 साल का, बट जो लोकसभा की लाइफ है वो इमरजेंसी के टाइम एक साल करके बढ़ा सकते हैं, बट इसको भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत है। और ये जो एक्सटेंशन है, जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने के भीतर खत्म हो जाएगा। सिमिलरली स्टेट असेंबली के केस में भी, कि इमरजेंसी में मान लो इलेक्शन करना है फिजिबल नहीं है, तो इसके लिए वो एक साल तक के लिए जो लाइफ है लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो एक्सटेंड कर सकता है। तो आर्टिकल 358 बोलता है कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। तो आर्टिकल 19 में आपको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और ये सारे राइट्स मेंशन है आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 वो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, और पर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। अंडर आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है। लेकिन इमरजेंसी के समय कोई भी डिसीजन के लिए कोई रेमेडी नहीं है, इसी की वजह से इमरजेंसी के टाइम जो मिसयूज होता है पावर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसा भारत के इतिहास में हम देख चुके हैं। तो देर इज़ नो रेमेडी फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हाउएवर जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 दो तरीके से। पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड तभी होंगे जब इमरजेंसी डिक्लेयर है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे ये फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकते।
अगर बाहरी खतरा है तो ही फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। और बोला गया जो कानून है जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं वो ही प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट एंड नॉट अदर राइट्स। तो ये कुछ प्रोटेक्शन है इमरजेंसी के जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड हुए। तो भारत के इतिहास में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। सबसे पहली इमरजेंसी लगी थी अक्टूबर 1962 में ऑन द अकाउंट ऑफ चाइनीज एग्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, और ये इमरजेंसी चली थी 1968 जनवरी 1968 तक। फिर दूसरी इमरजेंसी लगाई 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया था, तो दूसरी बार इमरजेंसी लगा दी गई। फिर तीसरी इमरजेंसी लगाई जून 1975 में, और जब ये 1975 की इमरजेंसी लगाई गई तब ऑलरेडी ये जो 1971 की इमरजेंसी है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल थी, बट फिर 1975 वाली 1975 की इमरजेंसी लगा दी गई। और ये जो 1975 की इमरजेंसी है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल रही है, और इस इमरजेंसी के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है। एक तरीके से तब की सरकार ने अपोजिशन पार्टी को ख़त्म कर दिया था इमरजेंसी के समय, और किसी को हक नहीं था कि वो उनके विरुद्ध काम कर सकें, और वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक बन गए थे। तो एक इमरजेंसी का ये क्रिटिसिज्म है कि इमरजेंसी के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तानाशाही दिखाने लगती है। और ये 1975 और 1971 दोनों इमरजेंसी को 1977 में रिवोक कर दिया गया था, और फिर 1977 के बाद जनरल इलेक्शन हुए जिसमें जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। तो फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट ने शाह कमीशन अपॉइंट किया टू इन्वेस्टिगेट द डिक्लेरेशन ऑफ 1975 इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी के समय हुई पावर मिसयूज की वजह से जनता कांग्रेस सरकार से मुंह मोड़ लिया था और जनता पार्टी गवर्नमेंट को एक मौका दिया था। और जनता पार्टी गवर्नमेंट ने फिर शाह कमीशन अपॉइंट किया इस 1975 के डिक्लेरेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसी के बिना पर आया 44वां संविधान संशोधन जिसने नंबर ऑफ सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए जिससे इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज ना हो सके। तो जुडिशियल रिव्यू देखो आप किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हमारे संविधान ने ही प्रोवाइड किया है जुडिशियल रिव्यू पावर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अंडर आर्टिकल 352 जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल विच इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग वेदर रेलिवेंट मटेरियल वॉज अवेलेबल टू फॉर्म द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द प्रोक्लेमेशन। कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि किस मटेरियल के किस बिना के बेस पे प्रेसिडेंट ने ये इमरजेंसी लगाई थी, और ये मटेरियल मतलब सेटिस्फाई करते हैं कंडीशंस को जिसके बिना पर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं कि आपने यूं ही इमरजेंसी लगा दी। और कोर्ट इंटेंशंस को भी देख सकता है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो मलिशियस तो नहीं है बिहाइंड द प्रोक्लेमेशन। तो ये थी हमारी नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट रूल पे अंडर आर्टिकल 356। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है अंडर आर्टिकल 356, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, और जो सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन है उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, या एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है अंडर आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एसेंशियली मींस द स्टेट गवर्नमेंट इज टेम्पररली अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू द गवर्नर। तो प्रेसिडेंट रूल के समय राज्य सरकार का कंट्रोल खो जाता है और सेंट्रल और प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू या अपने किसी ऑफिशियल के थ्रू स्टेट को एडमिनिस्टर करता है, और इस प्रेसिडेंट रूल के समय जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया जाता है। और जैसा नाम सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट रूल, तो ये प्रेसिडेंट के अंदर डायरेक्ट आ जाती है स्टेट। और प्रेसिडेंट रूल भारत में काफी बार लग चुका है, और ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है टू इंश्योर द ऑर्डर एंड गवर्नेंस इन द स्टेट। और प्रेसिडेंट को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो स्टेट में वो फेल हो चुकी है। तो ये प्रेसिडेंट रूल की पावर कहाँ से आती है? इसकी पावर आती है आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 355 बोलता है कि
ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि सारी जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग चलें, और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो आपके लिए हमने संविधान में आर्टिकल 356 प्रोवाइड किया, प्रेसिडेंट रूल लगा के उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो ग्राउंड्स क्या है इम्पोजिशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो चुकी है तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में प्रेसिडेंट को कैसे पता चलेगा, या तो गवर्नर रिपोर्ट दे या अपने सोर्सेस से प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो स्टेट है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, तो ही कैन इम्पोज इमरजेंसी। दूसरा, अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया स्टेट में तो भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तीसरा, कि स्टेट में किसी भी रीजन से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं या स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में, और जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस सेंटर के द्वारा दिए गए को नहीं मान रहा है तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और इस प्रेसिडेंट रूल को 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना होगा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द लोकसभा, और एक बार प्रेसिडेंट रूल अप्रूव हो जाता है तो वो 6 महीने तक चलता है, और उसको भी मैक्सिमम 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। लेकिन आप 1 साल से आगे इसको तभी अप्रूव कर सकते हैं, 2 सिचुएशन हो, या तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो हो भारत में किसी पार्ट में तो आप इसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि जो जनरल इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो नहीं हो सकते, देन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। ये इसलिए डाला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि पहले क्या होता था कि सेंटर पे दूसरी सरकार है और स्टेट में अलग सरकार है, तो सेंटर क्या करता था कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था और उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था, तो ये तो प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हुआ। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन से बोला गया कि 1 साल के बियॉन्ड आप तभी लगा सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकते या नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो प्रेसिडेंट रूल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पहला, गवर्नेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है स्टेट सब्जेक्ट पे थ्रू द गवर्नर, तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स आर टेम्पररली ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइज देम थ्रू द गवर्नर, द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सस्पेंडेड। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दी जाती है सबसे पहले जैसे ही प्रेसिडेंट रूल अप्रूव होगा। तीसरा, इट इज कम इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। चौथा, स्टेट अपनी ऑटोनॉमी खो देता है और सेंटर स्टेट के लिए सारे डिसीजन लेता है और स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती कि अपने लिए डिसीजन ले सके। पांचवा, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, मतलब इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना होगा 2 महीने के अंदर, अगर उसको 6 महीने से आगे आपको एक्सटेंड करना है। छठवा कॉन्सिक्वेंस है, गवर्नर एडवाइजर भी अपॉइंट कर सकता है स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, और ये जो प्रेसिडेंट रूल है इट इज टेम्पररी एंड द एम ऑफ दिस प्रेसिडेंट रूल इज टू रिस्टोर द नॉर्मलसी इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए बोमाई केस आया 1994 में, तो बोमाई केस में बोला कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दूसरा बोला, कोर्ट चेक कर सकता है कि जो प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन है कि किस बिना पे प्रेसिडेंट ने ये प्रेसिडेंट रूल लगाया, उसको भी कोर्ट चेक कर सकता है, और अगर कोर्ट ने ऐसा फाइंड किया कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज मलाफाइड, और कोर्ट ने अगर ये फाइंड किया कि जो फैक्ट्स और मटेरियल है जिसके बिना पर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया था वो गलत है और इररेलीवेंट है, देन द कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन दिस प्रेसिडेंट रूल एंड कैन ऑल्सो रिस्टोर बैक द स्टेट गवर्नमेंट। और जो बर्डन होता है वो सेंटर पे रहेगा कि आप प्रूफ करें कि जो रेलिवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करते थे जिसकी वजह से आपने जो इमरजेंसी है और प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया। कोर्ट ये नहीं दे सकता कि ये मटेरियल सही हैं या गलत हैं, ये फैक्ट्स जो सेंटर ने प्रोवाइड किए हैं वो सही हैं या गलत हैं, बट कोर्ट ये देख सकता है कि ये रेलिवेंट हैं कि नहीं, कि इसके बिना पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और अगर कोर्ट को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे तो कोर्ट कैन रिस्टोर बैक द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट असेंबली है इट कैन ओनली बी डिसॉल्व आफ्टर पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन।
ये नहीं कि जैसे ही मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया प्रेसिडेंट ने, विदाउट द अप्रूवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। और इन केस की लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को फ्लो टेस्ट करना पड़ेगा कि आप कोई अल्टरनेटिव स्टेट गवर्नमेंट बना सकें। और अगर जब फ्लो टेस्ट के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है तब इमरजेंसी लगाई जाए। और ये जो आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल की पावर है, ये एक्सेप्शनल पावर है और इसको ओकेजनल ही इस्तेमाल करें जब कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज हो गई हो इन द स्टेट। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिना पर आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल के प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट में। और जब मेजोरिटी गवर्नमेंट रिजाइन और डिसमिस कर देती है ऑन लूजिंग द मेजोरिटी, गवर्नमेंट को पॉसिबल अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे प्रेसिडेंट रूल लगाने की वजह। तो ये थी प्रेसिडेंट रूल कि किन किन सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है और किन किन सिचुएशन में आपने देखा कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता है। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कंट्री में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भारत की वो खतरे में है, तो प्रेसिडेंट ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। और इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने के भीतर अप्रूव होना पड़ेगा दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में, और ये कंटिन्यू चलेगी जब तक इसको प्रेसिडेंट रिवोक ना कर ले। इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि 6 महीने के बाद फिर से अप्रूवल की जरूरत इसके नहीं है। इफेक्ट क्या होंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के? जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन एंड स्टेट के बीच में वो खत्म हो जाएगा, और यूनियन अपने हिसाब से स्टेट को रेवेन्यू दे सकती है और अपने हिसाब से स्टेट को पैसा दे सकती है और स्टेट के खर्चों पर भी रोकथाम लगा सकती है। और यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप अपने खर्चे ऐसे मतलब एग्जीक्यूट करें। और यूनियन गवर्नमेंट जो वेरियस ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी सैलरीज अलाउंसेस को भी कम कर सकती है क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भारत की वो खतरे में है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फाइनेंशियल या मनी बिल हैं उनको गवर्नर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। खैर अभी तक तो भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं, और हम तो ये चाहेंगे कभी लगी भी ना और भारत की इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करती रहे दिन दोगुनी रात चौगुनी, की फाइनेंशियल मतलब दिक्कतें नहीं आए और फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन कभी अराइज ना हो। तो ये थी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। अब हर चीज़ के क्रिटिसिज्म है भाई, इमरजेंसी की तो मिसयूज हुई है बहुत ज़्यादा, प्रेसिडेंट रूल का भी मिसयूज हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके क्रिटिसिज्म तो होंगे ही, तो उन क्रिटिसिज्म को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये इमरजेंसी का प्रोविजन लाया गया था तो डिस्कशन हुआ, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने गलतियां निकाली इसमें और क्रिटिसाइज किया इस प्रोविजन को। पहला कि जो इससे जो फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म हो जाएगा, और फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इसमें यूनियन है वो मतलब एकदम ऑल पावरफुल हो जाएगा। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है। दूसरा है कि जो स्टेट और यूनियन दोनों की पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट में आ जाएगी। और तीसरा क्रिटिसिज्म है प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह बन सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। चौथा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट की खत्म हो जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। पांचवा क्रिटिसिज्म है कि फंडामेंटल राइट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है इमरजेंसी के टाइम, फंडामेंटल राइट्स बिकम मीनिंगलेस, और एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड। तो जब लोग इतना सारा क्रिटिसाइज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बोल रहे थे कि हम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उससे आज़ादी चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट बना रहे हैं, और आप इस इमरजेंसी प्रोविजन से जो डेमोक्रेसी को ही खतरा है इससे डेमोक्रेसी ही खत्म कर दे रहे हैं, तो उसको डिफेंड करते हुए अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पता है कि इमरजेंसी का मिसयूज हो सकता है, बट जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो नॉर्मल सिचुएशन के लिए बिल्कुल नहीं बना है, वो सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए बना है कि मान लो देश में कभी ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई, कोई आपदा आ गई जिसमें नॉर्मल गवर्नमेंटल फंक्शनिंग काम नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए भी तो कोई प्रोविजन होने चाहिए, तो उसके लिए हमने इमरजेंसी संविधान में डाल रहे हैं। सो वाइल डिफेंडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर accepted the possibility of its misuse. He observed that I do not altogether deny that there is a possibility of the article being abused or employed for political purpose.
But this provision is not for the normal situation, but to be used when the country is in crisis situation. And he further held that Constitution of India can be both unitary as well as federal according to the need of the time. और ये हमारे संविधान का एक यूनिक फीचर है. ये कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि नॉर्मल टाइम्स में तो भारत फेडरल है और इमरजेंसी के समय ये यूनिटरी बन जाता है. ये भारत का एक यूनिक फीचर है, भारत के संविधान का एक यूनिक फीचर है. तो दोस्तों ये था आज के क्लास के लिए. आई होप द क्लास इज प्रोडक्टिव फॉर यू और इमरजेंसी से जुड़े हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे. और दोस्तों आप नोट्स बनाते रहना, इसीलिए मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप इन फ्यूचर मतलब मान लो कुछ समय बाद जब अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ रिकॉल कर सकेंगे. सो फ्रेंड्स दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप द क्लास इज प्रोडक्टिव फॉर यू. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक आईएएस.